जंगल के सबसे खूंखार शिकारियों की बात हो और उसमें बास का नाम लेना एक बड़ी मूर्खता होगी। बास को जंगल के सबसे खूंखार शिकारियों में गिनना भी वाजिब है, क्योंकि ये जमीन, आसमान और पानी हर जगह अपना दबदबा बनाए रखता है। द फैक्ट अनलॉकर के एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। बास जब भी अपने शिकार पर नजर डालता है तो उसे दबोच कर ही दम लेता है। बास के बड़े बड़े नाखूनों की बदौलत वो किसी भी जानवर को इस तरह से पकड़ता है कि उससे छूटना नामुमकिन हो जाता है, और बाज अपनी पैनी चोंच से किसी भी जानवर में चीर फाड़ कर सकता है। ये किट्टी वेग बर्ड्स खड़ी चट्टानों में अपने घोंसले बनाने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं। ये नादान परिंदे इस बात से अनजान है कि आसमान में उनकी मौत यानी स्टेलर सी ईगल उन पर नजर जमाए उड़ रहा है। आसमान में उड़ती है मौत, अपने 6 फीट चौड़े पंखों को फैलाकर एक सही मौके की तलाश में मंडरा रही है, और एक सही मौका मिलते ही गोली की रफ्तार से नीचे की ओर आने वाली है। अब इसकी भनक इन बर्ड्स को लग चुकी है और अपनी जान बचाने के लिए यह सब उड़ना भी चालू कर देती है। लेकिन बाज भी कहां इनसे पीछे हटने वाला है। वो एक बर्ड को दबोचने ही वाला होता है, लेकिन इन बर्ड्स की भीड़ के आगे ये ईगल थोड़ा सा डगमगा जाता है। लेकिन बाज हार मानने वाला नहीं है, और थोड़ी ही देर बाद ये अपने नुकीले पंजों से एक बर्ड को दबोच लेता है और इन पक्षियों की भीड़ से कहीं दूर चला जाता है। किसी जहरीले सांप को भी जिंदा ही चीर कर खाने वाले इस बाज का नाम ब्राउन स्नेक ईगल है, और इसके खाने का एक बड़ा हिस्सा सांपों पर आधारित होता है। और हैरानी की बात तो यह है कि इस पर इनके जहर का भी कोई असर नहीं होता। अब चाहे सांप झटपट आए या कुछ भी करे, उसे यह अपना भोजन बनाकर ही रहता है। समंदर की ऊपरी सतह पर धूप लेने आया यह सी स्नेक इस बात से अनजान है कि थोड़ी ही देर बाद वो किसी का खाना बनने वाला है। यूं तो यह इतना जहरीला होता है कि हर कोई इससे खौफ खाता है, लेकिन बास बेखौफ होता है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका शिकार कितना जहरीला है। ये एक झपट्टे में अपने शिकार को दबोच लेता है और सीधे हवा से बातें करने लगता है। अब चाहे सांप अपने आप को छुड़वाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, ईगल के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि वो एक 3 से 5 फुट लंबे जहरीले सांप को अपना शिकार बनाए। अंततः बाज की जीत होती है और यह सांप बाज के बच्चों के लिए सिर्फ एक स्वादिष्ट भोजन मात्र बनकर रह जाता है। अपनी मौत से अनजान यह जानवर सड़क पार करते हुए बाज के जोरदार हमले का शिकार होते हैं, और जल्द ही ये बाज उसे अपने पंजों में जकड़ लेता है। बेबी वार्थोग खुद को आजाद कराने की हर मायने में कोशिश करता है, लेकिन बाज की पकड़ के आगे उसकी ताकत एक बच्चे के बराबर है। काफी देर की मशक्कत के बाद ये अड़ियल बाज उसे मौत के घाट उतार देता है, और बेखौफ होकर इस मंजर को निहारता है। थोड़ी ही देर आराम फरमाने के बाद यह उसे अपने पंजे से ही पकड़कर यहां से रवाना हो जाता है। अब तो शायद आप समझ ही गए होंगे कि एक बाज की पकड़ कितनी मजबूत होती है। एक मॉनिटर लिजर्ट के आगे एक बाज बहुत छोटा लगता है, क्योंकि मॉनिटर लिजर्ट की लंबाई 8 फीट तक होती है। लेकिन बाज को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका शिकार कितना बड़ा है। एक मॉनिटर लिजर्ट इस ईगल के हत्थे चढ़ चुका है। ईगल इस लिजर्ट को पटक पटक कर उसकी जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ता। लिजर्ट की खुद को बचाने की सारी कोशिशें यहां नाकाम होती नजर आती है। बास की जान निकाल देने वाली पकड़ और जोर की पटकनियों के आगे मॉनिटर लिजर्ट यह जंग हार जाता है, और आखिर में उसे इस बास का खाना बनना ही पड़ता है। इस नज़ारे को फिल्माने वाले के मुताबिक बास को इसे मारने में 5 से 6 घंटे का समय लगा, लेकिन जंगल का एक नियम है, जीत उसी की होती है जो ताकतवर हो, और ये लिजर्ड आज इस बाज का एक समय का खाना ही बनता है।
झील के किनारे एक गीज को नोच नोच कर खाने वाला यह बाज आपको बहुत ही ज़्यादा निर्दयी लग सकता है, क्योंकि जिस मजे से यह गीज को नोच रहा है इसमें दयालुता की कोई भावना नजर नहीं आती। थोड़ी ही देर पहले इसने इस गीज का शिकार किया है। अब चाहे इसने भी खुद को बचाने की लाख कोशिशें की हो, लेकिन बाज के आगे अब तक किसकी ही चली है। झुंड में उड़ान भरने वाला ये पक्षी क्रेन है। ये हमेशा झुंड में ही उड़ना पसंद करते हैं। अब इनका शिकार करने के लिए उन्हें झुंड से अलग करना बहुत जरूरी होता है, और इन बाजों की मिलीजुली मेहनत से वो एक क्रेन को झुंड से अलग भी कर लेते हैं। लेकिन क्रेन भी काफ़ी भारी भरकम पक्षी है और इसका शिकार करना कोई आम बात नहीं है, इसलिए ये ईगल इसे पकड़ने के बाद खुद को हवा में काबू नहीं कर पाता है और ज़मीन की ओर गिरने लगता है। लेकिन कुछ ही देर बाद ये उसे लेकर यहां से रवाना हो जाता है। ईगल हर माहौल के हिसाब से अपने शिकार की पसंद को बदलते रहते हैं। ये सांप, मछली और पक्षियों का शिकार करते रहते हैं। ज्यादातर छोटे पक्षियों का शिकार करना इनके लिए आसान होता है और ये उनके लिए एक अच्छा भोजन भी साबित होता है। हॉक ईगल कबूतरों के बड़े दुश्मन होते हैं। वही एक कबूतर हॉक के भोजन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इसी कारण एक हॉक ने इस कबूतर को दबोच रखा है और जल्द ही यह उसके पेट में जाने वाला है। शुरुआत में ईगल ने उसके सारे पंखों को नोच कर साफ किया, उसके बाद उसका स्वाद लेने वाला है। आसमान में एक बाज को मंडराता देख ये माउंटेन गोट का ग्रुप थोड़ा हलचल में आ जाता है और ऐसा लगता है कि इस बाज की भी यही रणनीति रही होगी। इस हलचल के बाद ये गोट इधर उधर भागना शुरू कर देती है और फिर वही होता है जो ये बाज चाहता है। एक गोट का बच्चा अपने झुंड से अलग होकर उसके चंगुल में आ ही जाता है, जिसे अपनी मजबूत पकड़ में फंसा कर ये ईगल वहाँ से उड़ जाता है। ईगल को इतने भारी शिकार को उठाकर उड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होती और अंत में उसके सारे शिकार ईगल और उसके बच्चों के लिए भोजन मात्र बनते हैं, और यही जंगल का कानून है।